श्रीजी इवेंट्स एंड डेकोरेटर्स, हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, स्टेज डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, बैलून डेकोरेशन, फ्रूट एंड आइसक्रीम स्टॉल, डिजिटल फोटोग्राफी, मॉडर्न फोटो फ्रेम, कैटरिंग, कैंडी एंड पॉपकॉर्न स्टॉल, कॉफी स्टॉल, हाईफाई डीजे, संगीत डेकोरेशन की जाती है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोविजन करण, ऋषभ, प्रियांशु। संपर्क सूत्र 7505598533, 9560200630, 8532879। जनपद शामली कांडला बड़ी नहर पुल के निकट स्थित डाक बंगले पर एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों गांवों के किसान जमा हुए और निर्णय लिया कि हर गांव के एक घर से एक आदमी आंदोलन में जाएगा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कुछ ट्रैक्टर दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुए। शनिवार को भारी संख्या में किसान दिल्ली कूच करेंगे। शाम के समय जैन चौधरी, सतवीर पवार रालोद महासचिव के पेट्रोल पंप पर शिवालिक ढाबे के निकट पहुंचे और आशीर्वाद लिया। पंचायत में रालोद प्रदेश महासचिव सतवीर पवार, जिला शामली रालोद महासचिव अरविंद पवार, पूर्व चेयरमैन उदय सिंह, चेयरमैन एलम दीपा पवार, वीरेंद्र प्रधान आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे। पिछले दो माह से किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर अपना आंदोलन चलाकर भीषण सर्दी के तहत 26 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था, जिसमें असामाजिक तत्वों ने आंदोलन की दिशाहीन कर दिया। परिणाम स्वरूप किसान और पुलिस आमने सामने हो गई, जिसमें राष्ट्र की संपत्ति के नुकसान के साथ साथ आंदोलनकारी किसानों को माली नुकसान भी हुआ, जिसको लेकर पुलिस व प्रशासन ने किसान नेताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चालू कर दिया। पुलिस प्रशासन के बढ़ते दबाव के कारण कुछ किसान संगठनों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और किसान आंदोलन से हटने का ऐलान कर दिया गया। दो माह से चलने वाली शांतिपूर्ण आंदोलन की नैया डगमगाने लगी। आंदोलन में शामिल किसानों ने अपने अबोरिया बिस्तर समेटकर अपने घर की तरफ कूच करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस प्रशासन किसान नेताओं को घेरने की रणनीति बनाने लगा। आंदोलन कमजोर होता देख बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश टिकैत विचलित हो उठे और उनके दिल से दर्द की एक लहर उठी और जो आंसू में बहकर एक ऐसी धारा बनी कि किसानों को विचलित कर गई। राकेश टिकैत के आंसू ने टूटते हुए इस आंदोलन को ऐसी मजबूती दी कि किसानों ने दोबारा अपने नेता का आत्मसम्मान कायम रखने के लिए रात्रि में ही दिल्ली का रुख कर दिया। तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों के नेता हरेंद्र मलिक, पंकज मलिक, धर्मवीर बालियान के साथ चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सहित अन्य नेताओं ने राकेश टिकैत के आंदोलन को समर्थन देते हुए आंदोलन को मजबूती प्रदान कर दी। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने भाजपा के दो विधायकों को इंगित करते हुए मुख्यमंत्री को सूचना भेज दी। राकेश टिकैत की आंखों से निकले हुए आंसुओं ने इस आंदोलन को दोबारा मजबूती प्रदान कर दी, जो कि सुनामी बन गई। ब्यूरो